तो नोटबंदी हुए, अब 2 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन नोटबंदी के बाद सहारनपुर का विश्वविख्यात वुड कार्विंग का कारोबार भी अछूता नहीं रहा है। नोटबंदी के बाद सहारनपुर के वुड कारोबार पर भी खासा असर पड़ा है। ये जानने के लिए हम सहारनपुर के जो लकड़ी व्यापारी हैं उनके बीच पहुँचे हैं, जो कि जिस तरह से नोटबंदी को 2 साल हुए, इन 2 सालों में कितना प्रभावित आपका कारोबार हुआ है? हमारा वुड कार्विंग का कारोबार जो है करीब 50% रह गया है, क्योंकि नोटबंदी की वजह से जो है ना छोटा कारोबार जो है ना बिल्कुल बंद हो गया, या बंद होने के करार में आ गया है। यहाँ से जो है ना ज़्यादातर माल जो है वो 90% एक्सपोर्ट होता है, और हमारा एक्सपोर्ट जो है ना नोटबंदी से पहले 800 करोड़ के करीब था, जो नोटबंदी के बाद घटने के बाद लगातार घट रहा है और घटकर अब 400 करोड़ पे आ गया है। सरकार ये चाहती है कि इसका सर्वाइवल हो तो इसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा, और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को और ज़्यादा सहूलियतें और ज़्यादा रियायतें और ज़्यादा फाइनेंशियली हेल्प करनी पड़ेगी, जब ही ये इंडस्ट्री सर्वाइव कर सकेगी, क्योंकि इसमें करीब 1.5 लाख लोग लगे हुए हैं, जिसमें से बहुत सारे जो है ना लोग पलायन कर चुके हैं यहाँ से। गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करूँगा कि इस सरकार जो हमारी सरकार है ये, कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को बढ़ावा दे ताकि अनएम्प्लॉयमेंट रुक सके। सहारनपुर के वुड कार्विंग की क्या मुख्य विशेषता है? यहाँ पे जो आइटमें बनती हैं और इसके ऊपर नक्काशी होती है, वो हिंदुस्तान में बहुत कम जगहों पे ऐसी नक्काशी होती है, या तो कश्मीर में होती है, या दूसरा नंबर फिर सहारनपुर का है, यहाँ पे नक्काशी होती है। उसी नक्काशी की वजह से, उस वर्कमैनशिप की वजह से जो है ना बाहर इसकी डिमांड है, और हमारा कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है। हाँ, मांग है, पैसा नहीं है, काम नहीं है। बिल्कुल, मांग है, काम नहीं है, विदेशों में भी यहाँ का जो अभी डिमांड बरकरार है, लेकिन जो नोटबंदी के बाद हालात बद से बदतर हैं। और व्यापारी हैं, हम उनसे जानेंगे। भाई साहब, आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप बताएंगे कि जो नोटबंदी हुई है इससे कितना असर पड़ा है, क्योंकि गरीब तबका भी इस कारोबार से जुड़ा हुआ है, मजदूर तबका भी जुड़ा हुआ है, और ट्रांसपोर्टर भी इस कारोबार में लगे हुए हैं। अभी 2 साल हो गए हैं, लोग अभी तक लोगों के दिलों में खौफ बैठा हुआ है, अभी तक लोग उभर नहीं पाए हैं नोटबंदी की वजह से। ये हमारा वुड कार्विंग का हैंडीक्राफ्ट्स की वजह से जो जाना जाता है, जो पूरे विश्व में इसकी पहचान है, लेकिन नोटबंदी की वजह से और उसके ऊपर फिर दोबारा GST की वजह से डबल मार होने की वजह से लोग उभर नहीं पा रहे हैं। तो मार्केट में जो पैसे का टर्नओवर होना चाहिए वो प्रॉपर हो नहीं पा रहा है, तो मार्केट में लाखों लोग इस मार्केट में जुड़े हुए हैं, लेकिन नोटबंदी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो जा रही है, वर्क नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है बाहर से, तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। हमारा जो ये सेक्टर है वुडन हैंडीक्राफ्ट का, ये एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेक्टर है, जो कि गवर्नमेंट की बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, फॉरेन एक्सचेंज कमा के देता है गवर्नमेंट को, और यहाँ पर लोग बागों को गवर्नमेंट को कोई जॉब नहीं देना है, ये जॉब क्रिएट करता है। लगभग 1.25 से 1.5 लाख लोग लगे हुए हैं, जो कि गवर्नमेंट की कोई उसमें सरदर्दी नहीं है, सब अपना सीखते हैं और करते हैं, और अब इस काम को छोड़कर बाहर जा रहे हैं वो, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट काम नहीं है, काम मांग है लेकिन महंगा हो गया है, और पैसा लोगों का ब्लॉक हो गया है GST में, तो उस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और इसकी वजह से हम शहर में जराइम भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों पे काम नहीं है तो जुर्म की तरफ जा रहे हैं। नोटबंदी के 2 साल बाद भी सहारनपुर का वुड कार्विंग कारोबार अपने आप में उभर नहीं पाया है, क्योंकि यहाँ से हर साल जो 800 करोड़ रुपये का टर्नओवर होता था, अब वो घटकर 400 करोड़ रुपये रह गया है। रोशन लाल सैनी, ETV भारत, सहारनपुर।